थाना प्रभारी एएसटी अजीत प्रताप सिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ नाबालिग बच्चों को धर्मशाला ओवरब्रिज के लिए नीचे नशा के लिए सुलेशन भेजा जाता है, जिसका बच्चे सेवन कर बदहवास हो जाते हैं और जिनका जीवन संकट में पड़ जाता है। इस सूचना पर विश्वास करके प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपने हमराहियों के साथ ओवरब्रिज टैक्सी स्टैंड के पास दबिश दी गई तो तीन नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र लगभग 14 व 11 तथा 5 वर्ष थी, वह नशे की हालत में मिले, जिनको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए बच्चे भीख मांगने व कबाड़ बिनने का काम करते हैं, जिनके माता पिता की अभी जानकारी नहीं हुई। रेस्क्यू के दौरान ही नाबालिग बच्चों को सुलेशन ट्यूब बेचने वाला राजा पुत्र सत्येंद्र सिंह उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी कृष्णा नगर थाना शाहपुर को हिरासत में ले लिया गया, जिसके पास से 34 पीस सुलेशन ट्यूब व बिक्री के 1,050 रुपया बरामद किया गया। अभियुक्त नाबालिग बच्चों को सुलेशन बेचकर ही अपना जीवन व्यापन करता है, जिसके विरुद्ध थाना एएसटी पर मुकदमा संख्या 2/2021 धारा 77 व 78 विशेष किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया कर जेल भेज दिया गया तथा बच्चों को उनके सर्वोत्तम हित के दृष्टिगत बाल कल्याण समिति जनपद गोरखपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग अजीत कुमार सिंह, एएसटी के कांस्टेबल भीम कुमार यादव, अखिलेश पटेल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, ये जो धंधा कब से लेके जाओ करेंगे सुलेशन बजट रहे सुलेशन हम देखें जो ना मतलब करना जो पैसा दे रहा हाँ लेकिन कार्य तक जाके सुलेशन ले ले आओ एक रुपए के कितना दे रहा हूँ 40 रुपये एक डब्बा डब्बा 600 रुपये दे रहा 600 रुपये में एक डब्बा दो डब्बा कर्मा जो भागम कन्या वो दस पाली मार पाकिट मार रहा हूँ अब तेरे तो पाकिट मार कर ले एक कहानी बारे में बताओ कई बार मारा को पाकिट ये कितना लाइक नहीं अभी बिका नहीं था उसमें से नहीं वो वो चार के बेच दे रहा है चार के बिका है और गटवारा और गटवारा ले के भाग गए कितना दिन से लेके आप ले हाँ कितना दिन ये दिन से नहीं अच्छा उसके नाम से लेके आते थे तो क्या बताते थे कि हम पहले लेके जा रहे हैं वो दुकान से हम लेके आते थे बेचने नहीं नहीं तुम बताया मुझे पता नहीं किस चीज हमारे पास दुकान है नहीं नहीं साथ में वो सब खुद कहता है तो बताना नहीं है वो कहता था बताना बताना ना किसी से गुप्ता है जो गुप्ता दुकान चलाते थे तो पासवान ने कहीं का बताए थे नहीं गुप्ता है उसके यहाँ जहाँ से लेके आया था वो बार बार कहा था कि सर हफ्ते में एक बार आता है लेकर और दुकान है पता नहीं साथ में कभी लेके जाता है नहीं देखिए जनपद में भीख मांगने वाले बच्चों को भीख से छुड़ाने के लिए उनके लिए उनका जो बाल अधिकार हैं उन बाल अधिकार उनके लिए मिले इसके तहत और अपराधियों के खिलाफ जिले में अभियान चल रहा है उसी के अंतर्गत तीन बच्चे 5, 11 और 14 वर्ष के तीन बच्चों के लिए जो है धर्मशाला ओवरब्रिज जो है उसके नीचे से तीन बच्चों के लिए रेस्क्यू कराया गया और पता चला कि एक 24 साल का एक राजा पुत्र सत्येंद्र सिंह है उसको गिरफ्तार किया वो बच्चों को सॉल्यूशन बेचता था और बच्चे ये कूड़ा कबाड़ बेचने का और भिक्षावृत्ति का ये काम करते हैं इन बच्चों के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और बाल कल्याण समिति ने नियमानुसार उनके वेलफेयर के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए उनके लिए एशियन सहयोगी संस्था को सुपुर्द कर दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर हम लोगों ने जेल भेज दिया और जनपद में ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि बच्चों के लिए उनके जो मूल अधिकार हैं वो अधिकार उनको मिल सकें और जो भी इस प्रकार के बच्चों के शोषण के या बच्चों को के प्रति कोई भी किसी प्रकार का अपराध करेगा उसके खिलाफ़ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे।
बरामदगी में उसके पास 1000 रुपये सोल्यूशन बेचने से प्राप्त हुए हैं और 34 सोल्यूशन के पाउच मिले हैं।